गाइस आप लोग अगर थंबनेल देख के आ रहे हो ना तो डायमंड रूल बचर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहोगे कंटिन्यू तो हाँ आपको डायमंड रूल बचर मिल जाएगा। ठीक है तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे न्यू M1887 की स्किन कब देखने को मिलेगी, कौन सा इवेंट में आएगा यार, वो M1887 है कि नहीं है। अभी भी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है तो हाँ मैं सोचा उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ और सारा डिटेल्स दे दूंगा। तो हाँ इस वीडियो को M1887 की स्क्रीन के ऊपर सारा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सी होने वाली है, जो कि हमारी कुछ दिन पहले FF आई थी जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो हाँ नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सी होने वाली है तो वो भी बता दूंगा इस वीडियो में। और भी थोड़े मोड़े छोटे मोटे बहुत सारे अपडेट्स हैं और कुछ फ्री के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं हमारे गेम बहुत जल्दी। तो हाँ सारा न्यूज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो, लाइक कर दो, एक फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और हम वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायमंड वाचर के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस अभी हमारा केओ नाइट खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने अभी भी कुछ दिन बचा हुआ है। तो गाइस अगर आप लोग केओ नाइट का ये फीमेल कॉस्ट्यूम निकाल चुके हो तो फिर आप लोग इधर जो भी इसका इवेंट का है इधर आप नहीं घुसते हो, एंट्री नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने तो बंडल निकाल लिया और मैं दोबारा इधर क्यों जाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग गेम खेल रहे हो और आपको वो जो ऊपर जिसका एक्शन टोकन स्पिन टोकन जो भी था वो मिल रहा है तो गाइस उसका यूज़ कर, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। तो अभी उसका कुछ दिन बचा हुआ है इवेंट, तो हाँ कुछ नहीं करना, आपको इधर आ जाना, इधर आपको वाउचर से स्पेन कर लेना है, ठीक है। और फिर आपका लेवल 4 होना चाहिए, ठीक है, लेवल घटाना मत। उधर फिर इसका बॉक्स मिल जाएगा, इस बॉक्स को कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप ओपन भी कर सकते हो और इधर स्टोर में लेकर ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको बंडल दोबारा से मिलेगा और पता आपको दोबारा से मिलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दोबारा से मिलेगा तो आपको ये FF टोकन देखने को मिलेगा 10, एक बंडल में 10 FF टोकन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधे स्टोर में चल जाना है जिधर FF टोकन रहता है। आपको पता ही है FF टोकन हमारे स्टोर में आ चुका है, रिटर्न कुछ दिन पहले बंद हो गया तो हाँ रिटर्न आ चुका है। तो इधर स्टोर में आपको आ जाना और FF टोकन आपको डायमंड वाउचर देखने को मिल जाएगा। दस आके आपको डायमंड वाउचर एक्सचेंज कर लेना, टोटल 20 डायमंड देखने को वाउचर मिल जाएगा आपको। इस अपडेट जब भी हमारा अपडेट खत्म होगा उसके बाद एक्सचेंज हो जाए दोबारा 20 डायमंड वाउचर हमेशा ऐड कर दिया जाता है FF टोकन में, आपको पता नहीं था तो मैंने बता दिया। तो हाँ इधर सबको जाकर उधर स्पेंड करना है, उसके बाद FF टोकन इकट्ठा करना है, उधर आके 40 FF टोकन के बाद ले एक डायमंड वाउचर मिलता है। तो हाँ 20 के 20 डायमंड वाउचर आपको इधर से एक्सचेंज कर लेना है, ये सबसे सही तरीका है 20 डायमंड वाउचर लेने का। और भी FF टोकन बहुत सारा आइटम है, अगर आपने एक्सचेंज नहीं किया FF टोकन से तो वो सब भी आप एक्सचेंज कर लेना। तो हाँ आप डायमंड वाउचर को जाने मत, तो इस बार ईजिली ले सकते हो और उधर से FF टोकन से ईजिली ले सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ जितना हो सके गेम खेलो, कलेक्ट करो वो जो भी है उसका एक्सचेंज टोकन सब, उसके बाद उधर स्पेन करो, फीमेल कॉस्ट्यूम निकालो और FF टोकन में जाके इजिली डायमंड रॉयल बाउचर ले लो, ठीक है। तो हाँ 20 के 20 डायमंड रॉयल बाउचर ले लो। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है हमारी नेक्स्ट वेपन रॉयल। तो गाइस नेक्स्ट वेपन रॉयल हमें वेक्टर की स्किन देखने को मिल जाते हैं और अभी हमें कुछ दिन पहले M5 की स्किन देखने को मिली है। तो गाइस वेक्टर अभी मतलब M5 कुछ दिन देखने को मिली है, तो हाँ 10-20 दिन टाइम है, मैं चेक नहीं किया, चेकआउट कर लेना। उसके बाद तब तक 10-20 दिन के बाद हमें चलते हैं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो उस टाइम मतलब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जब इवेंट चलेगा तो उस टाइम आपको ये वेपन रॉयल में वेक्टर का स्किन देखने को मिल जाता है, जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का वेक्टर का स्किन है। तो हाँ आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल फ्री फायर जो भी है ये वेक्टर का स्किन देखने को मिल सकता है वर्ल्ड सीरीज के टाइम पे। ये लीक निकल कर रहा तो कन्फर्म नहीं है, तो बाकी बहुत पहले आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, तो हाँ ये थोड़ा लीक ही है। तो हाँ अगर कन्फर्म नहीं जाता तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, टेंशन ना लो। और बाकी क्या बोलते हैं वर्ल्ड सीरीज का इवेंट का डिटेल्स फुल मतलब क्या क्या देखने को मिलने वाला वर्ल्ड सीरीज इवेंट में, तो वो सब आपको बहुत जल्दी कल या परसों उसकी वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा वर्ल्ड सीरीज इवेंट, आपको कौन कौन सी इवेंट फ्री या डायमंड लगा के जो भी मिलने वाले, तो सबका न्यूज कल वाले वीडियो आपको कल या परसों वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं हमारी ईवो M1014 के कन्फर्म इवेंट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे गेम पे जितनी भी ईवो गन्स आती हैं वो सारी फेडेड व्हील के अंदर आती हैं, बट दोस्तों जब तक कोई वीडियो और फोटो नहीं मिलती तब तक कन्फर्म कह नहीं सकते कि फेडेड व्हील के अंदर ही आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया सर्वर के अंदर जो है कुछ भी चेंज हो जाता है। बट दोस्तों यार अब वीडियो आ चुकी है तो आप जो आपको ईवो M1014 की गन स्किन है वो कन्फर्म फेडेड व्हील के अंदर ही देखने को मिलेगी, जहाँ पे
लाख पे 1080 डायमंड लग जाते हैं। और जो फैडेड व्हील है वो कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूट बॉक्स भी है और यहाँ पे हमारा बैकपैक भी है। लेकिन दोस्तों यार ये जो बैकपैक की स्किन है, साथ ही जो लूट बॉक्स की स्किन है, वो आपको फैडेड व्हील के अंदर देखने को नहीं मिलेगी इंडिया सर्वर में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो भी फैडेड व्हील आता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेयर आइटम रखा जाता है। तो ये जो बैकपैक की स्किन है, या तो आपको टॉपअप से लेनी पड़ेगी या फिर किसी छोटे मोटे वेब इवेंट से, क्योंकि हो सकता है कि जो बैकपैक की स्किन आपको टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों जो फैडेड व्हील रहेगा वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपको यू एमटन निकालनी है तो आप अपने 1080 डायमंड जो है बचा के रख लीजिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमारे इसके डेट की। तो अभी हमारे गेम पे चल रहा है टोकन टावर और थॉम्सन तो हमारा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो टोकन टावर है वो 10-11 दिन के बाद खत्म होने वाला है। तो जैसे दोस्तों टोकन टावर वाला इवेंट जो है खत्म होता है, उसके बाद आपको यू एमटन जो है फेडरल व्हील के अंदर देखने को मिलेगी। तो 7-8 मई के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिसको भी लेनी है अपने डायमंड बचा के रख लीजिए। बाकी दोस्तों यार आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है डेट के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, तो आप दोबारा से जो है कमेंट नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, आपको जो है तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमारे रमजान इवेंट की, जिसके बारे में दोस्तों फ्री फायर ने खुद जो है कंफर्म कर दिया। तो फाइनली दोस्तों यार इस बार आपको इंडिया सर्वर के अंदर जो है रमजान इवेंट देखने को मिलेगा। तो पिछली बार नहीं आया हुआ था, तो इस बार आने वाला है और इसके बारे में खुद इंडिया ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक पोस्ट भी आई हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है रमजान इन गेम इवेंट्स आर कमिंग सैक्रिफाइसेस डिसिप्लिन एंड प्यूरिफिकेशन। तो कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट डाला हुआ है, जहाँ पे ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में, यानी कि आपको कुछ दिनों के अंदर जो है रमजान इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे इवेंट उसके अंदर और जो है फ्री आइटम देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों आज अगर फ्री फायर जो है होली इवेंट और दिवाली इवेंट और क्रिसमस इवेंट देता है, तो जो है रमजान इवेंट भी देना चाहिए, और फ्री फायर इस बार दे रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और फ्री फायर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि किस टाइप के आइटम आपको इस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो अपने वहाँ हाल में ही होली इवेंट आया था, तो वहाँ पर हमें मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट साथ ही एक मेल बंडल दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों रमजान इवेंट के अंदर हो सकता है कि आपको जो है कुछ मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट देखने को मिल जाए। बाकी बात रही बंडल की, तो कोई ऐसा बंडल तो है नहीं कि जो रमजान इवेंट के अंदर दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि दे दिया जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बाकी दोस्तों और कुछ जैसे कि छोटे मोटे इमोट आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही आपको कुछ शेयर इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही स्टोर के अंदर जो है डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं शेयर इवेंट की, तो शेयर इवेंट जो है अपने पाकिस्तान सर्वर के अंदर भी चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको इंडिया सर्वर के अंदर भी जो है रमजान में यहाँ पे शेयर इवेंट देखने को मिल जाए। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि फ्री फायर ने इसके बारे में कोई भी जो है बताया नहीं है कि किस टाइप के इवेंट या फिर किस टाइप के जो आइटम दिए जाएंगे। तो आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ दिनों का वेट करें, जब तक जो है रमजान इवेंट स्टार्ट ना हो जाए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है रमजान इवेंट के अंदर क्या क्या आइटम मिल रहा है। तो अगर आपको उन आइटम को लेने में कोई भी दिक्कत होती है, तो उसके बाद में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको जो है मिशन को कंप्लीट करना है। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं हमारी एमोटेड 7 होप ऑफ हैंड के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये वाली जो गन स्किन उसको निकालना चाहते हैं, इसलिए इसके इवेंट और डेट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ईवो गन बता रहे हैं। तो आपको दोस्तों क्लियर कर दूं कि हमारी जो गन स्किन है वो ईवो गन स्किन नहीं है, और इसका जो लुक डिफरेंट है वो इसलिए है क्योंकि हमारे कोलैबोरेशन की स्किन है। तो जैसा अपना वन पंच मैन का थोड़ा डिफरेंट लुक था, तो वैसे ही इसका डिफरेंट लुक है, और डिफरेंट लुक इसलिए है क्योंकि कोलैबोरेशन की गन स्किन है। तो फ्री फायर के अंदर जितनी भी कोलैबोरेशन की गन स्किन आती है, उनका जो लुक रहता है वो काफी डिफरेंट रहता है। तो आप बात करते हैं कि कौन से कोलैबोरेशन की है, तो दोस्तों ये है हमारे फेथ इवेंट की, जिसकी ग्लू वॉल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये वाला जो कोलैबोरेशन है फ्री फायर ने फेथ के साथ किया है, तो उसी इवेंट के अंदर दोस्तों आपको ये जो गन स्किन है वो देखने को मिलेगी। तो आप बात करते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है वो कब स्टार्ट होगा, तो ये जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि हमारा जो मई मंथ है यहाँ पे आपको फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको ये जो बंडल आपने यहाँ पे देख रहे होंगे जो पहना हुआ है, ये बंडल आपको फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के दौरान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो फेथ इवेंट है वो अपने इंडिया सर्वर में 1 जून से स्टार्ट होगा, तो इवेंट स्टार्ट होने के 4-5 दिनों के बाद, यानी कि 4-5 जून के आसपास जो है आपको ये वाली जो गन स्किन है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में काफी सारा जो है डिटेल से बताई है, तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको जानना है, तो आप जो ये वाली वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं, आपको थोड़ी और जो है जानकारी मिल जाएगी। तो आप वो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो गन स्किन है वो कौन से इवेंट के अंदर आएगी। तो दोस्तों जो हमारे गेम पे लेटेस्ट डबल बैरल की स्किन आई हुई थी, वो आई हुई थी हमारी वन पंच मैन, तो हम ये वाली जो गन स्किन उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी ये थीम गन है। तो हमारी जो लेटेस्ट गन थी वो थी हमारी वन पंच मैन, और जो वन पंच मैन है वो हमारे कोलैबोरेशन की गन स्किन थी, जो कि हमारे वन पंच मैन के साथ हुआ था। तो आप दोस्तों ये जो गन स्किन थे वो हमारे कुछ
इस टाइप के जो है इवेंट के अंदर देखने को मिली थी, जहाँ पे हमें 5 टोकन कलेक्ट करने के बदले ये जो गन स्किन थी उसको एक्सचेंज करना था। तो अब दोस्तों ये जो गन स्किन आने वाली है फेथ इवेंट वाली, तो ये भी हमारे कॉलोरेशन की गन स्किन है और ये भी दोस्तों आपको कुछ इस टाइप के जो है इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल यहाँ पे कन्फर्म है। दोस्तों बात करें डायमंड की, तो यहाँ पे कम से कम जो है 1000-1200 डायमंड लग जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 3000-4000 डायमंड भी कभी कभी जो है लग जाते हैं। बाकी दोस्तों जो डायमंड होते हैं वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने डायमंड आपके यहाँ पे लगेंगे। बाकी दोस्तों जो इवेंट है वो कुछ इस टाइप का ही रहेगा, जहाँ पे आपको टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है वो भी आप दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको रमजान इवेंट के बारे में क्या लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो।